तो ये आप लोग देख पा रहे हो, अभी हम फिलहाल में इस समय कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की छिबरामऊ आलू मंडी के अंदर आ चुके हैं। सुबह का लगभग 10:30 बज रहा है और यहाँ पे जो आलू का टक्कर फोर आवक है वो आना शुरू हो चुका है। आलू की जो आवक है वो बराबर कंटिन्यू हो रही है और इधर भी कुछ ये देख पा रहे हैं, अभी ये भी ट्रेन खड़ी है, बाकी और भी जगह पे आलू वगैरह आए होंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी किसान भाइयों को बता चलें कि आज आलू के भाव में ना ही किसी प्रकार का कोई गिरावट है और ना ही तो किसी प्रकार का उछाल है। जो आलू का भाव चल रहा था लगभग सेम वही है और लोग जो है आप लोगों से यही बोलेंगे कि भाई आज जो आलू के दाम में थोड़ा नरमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम लोग जो है अभी सबसे पहले तो आपको हम कानपुर मंडी का अपडेट बता देते हैं। कानपुर मंडी में आज जो है पुराने आलू पे 100 रुपये का उछाल है और नए आलू जो है अपने भाव पे बाकायदा बढ़िया तरीके से अच्छी डिमांड पे बिक रहे हैं और दाम बढ़ने की उम्मीद भी है। तो चलो सबसे पहले तो बातचीत करते हैं कानपुर मंडी की। कानपुर मंडी में आज आलू का भाव क्या रहा और फर्रुखाबाद मंडी में आज के आलू का भाव क्या रहा। अभी हमारे साथ छिबरामऊ मंडी के आलू आड़ती मोनू भैया, आप भैया व्यापारी है ना, आपका क्या नाम? उमेश भैया हैं। और ये तो आप लोग मतलब ये तो पर्चे के मोहताज आएंगे ही नहीं, मंडी के सहनशाह जो बने हैं राजू ठाकुर जी हैं। अच्छा, आज अपनी मंडी में आमदनी क्या है और भाव क्या रहे? पंद्रह बीस मिनट का आमदनी होगी मोनू भैया, सही बताना है पक्का? मुस्कराओ ना, सही सही बताओ। 20 मोटर की आमदनी है। अच्छा अच्छा, भाव क्या रहे आज नीचे से ऊपर में? नीचे 650, ऊपर 731। 731 तक। ऐसा क्यों आज बाजार इतना ज्यादा मतलब दबा क्यों मालूम पड़ रहा है और आज मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है? अभी अभी का अपडेट है, आज ताजा अपडेट हमने लिया है। हाँ हाँ, बंगाल का व्यापारी भाई आपसे बात कर लेगा, एक मिनट रुक जाइएगा केवल। आप अभी अभी का मैं अपडेट लिया है, फर्रुखाबाद बात कर रहा है, आमदनी 20 मोटर की है और भाव 700 से लेके 800 रुपए फर्रुखाबाद में है। अपने यहाँ मतलब कुछ डाउट रहता थोड़ा बहुत, लेकिन आज यहाँ बहुत ज्यादा कम क्यों है? फर्रुखाबाद वैद्य मोहन भैया तुम्हें यहाँ दूर क्यों भाग गए? बताओ तुम आलू के, मेरी बात सुनो ना, आलू देख रहे दूर दूर भाग रहे, बताओ ना दिक्कत कहाँ आई है? बताओ मतलब आमदनी आज किस मतलब क्या है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही इसलिए दाम गिरे हैं क्या है? थोड़ा बारिश से पहले का जो आलू है वो थोड़ा सा हल्का आलू आ रहा है। अच्छा अच्छा, हरा भी है, चिट्टी भी है, पक्का भी है, उस वजह से बाजार डाउन। चलो ठीक है, जो भी है आप लोगों को मेरा काम अपडेट देना है। ये वाला आलू क्या भाव बिका? वो वाला भरा जा रहा था 701। ये भैया 701 रुपए का बिका है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा मैं। ये जो है 701 रुपए का बिका है और ये खुला पड़ा है, इसका कोई लिवाल नहीं है और इसको भी ताजा खुलवाया गया है। ये क्या भाव बिक रहा है वो भी देख लेते हैं। और बंगाल वाले व्यापारी कहाँ गए आप? क्या नाम आपका? सपन। क्या कह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे आप बताओ? हम लोग बता रहे हैं कि बंगाल बिहार आलू निकल गया, मतलब समझा नहीं है? बिहार आलू निकल गया, देख लो थोड़ा बहुत कुछ निकल गया। मतलब अभी वेस्ट बंगाल में ज्यादा आलू है बता रहे हो? खुदाई हो रहा है, खुदाई हो रहा है थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में होने लगा। अभी दिसंबर तक तो वहाँ खुदाई चालू है ना? किस जगह से हो वेस्ट बंगाल से? बालूरघाट में। देखो भैया कहाँ गए? पश्चिम से या किधर? वेस्ट बालूरघाट गंगारामपुर। यार समझ नहीं आ रहा, मेरा बात हुआ था वेस्ट बंगाल, वहाँ पे अभी बुवाई चालू है, तुम बता रहे हो खुदाई चालू है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? बारिश हुआ नहीं उसी का बदल से पहले रोप लिया। चलो कोई नहीं, मैं पता कर लूंगा जहाँ से आप हो बात करूंगा। हमारी खत्म होगी, तुम बिक्री करो। ये आलू आपको चलेगा? 164 कट्टा है, 160 और ले आओ एक कट्टा। अच्छा ये खरीदेंगे, ये बंगाली भाई ये वाला आ रहा है यार। बिहार की बॉर्डर की आसपास आलू निकल गया बंगाल। अच्छा नया वाला है गुलाबबाग, केवल ये बता दो बंगाल पड़ता है 30 किलोमीटर। बड़ी लाट है, बहुत लाट है बंगाली। और कामों नहीं बिकी तो आप पहली बार व्यापार कर रहे हो या इससे पहले भी आए हो? कई बार नहीं, बिल्कुल इन्हें सिखा रहे। अरे नहीं मतलब मैं इस मंडी में पहली बार आया हूँ, बताओ। अच्छा अच्छा, क्या गुरु जी भाव का? 2100 धान थोड़ी ना आ जा साइकिल है कहाँ? 100 बता। बेचन वाली का आवाज बताओ, हम समझे। मोल भाव कर रहे आपने भतीजा। हरा
भैया जल्दी खरीदो बेचो, वीडियो बन रही है, टाइम बहुत हो रहा है। ज्यादा नहीं बोल रहे यार, 671 में धरो ले लिया। अपने ऊपर हाथ करे काम ना, वो कटिया उठा बच्चे। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। अभी फिलहाल में हम आलू मंडी छिबरामऊ में हैं और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के आलू का भाव क्या है छिबरामऊ मंडी में और कानपुर मंडी में। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, किसान भाई दल जो है जल्दबाजी बहुत करते हैं और जल्दबाजी में ही हर चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, उसमें कि उनको हाल लाभ दोनों हो जाता है। तो अभी फिलहाल में छिबरामऊ मंडी में आमदनी जो है आपकी लगभग आपकी 8 मोटर के आसपास छिबरामऊ मंडी में आमदनी का अंदाज़ा हमने लगाया है। और आलू के जो भाव है, दरअसल बात क्या होती है कि अगर कानपुर की मंडी या अदरवाइज़ कहीं की भी मंडी जो है जब भी मतलब कि रन डाउन हो जाती है ना, तो ये लोग जो है एक बहुत दबाव बना देते हैं कि भाई वो मंडी डाउन हो गई है इसलिए आज डाउन हो गया है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है, आज कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई मंडी जो है डाउन नहीं हुई है। जो भाव चल रहे थे वही भाव चल रहे हैं। अगर बात कर लें आज फरखाबाद की, आज फरखाबाद में लगभग 20 मोटर की आमदनी है और भाव जो है आपका 700 से लेकर और 801 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से आलू जो है फरखाबाद मंडी में बिक रहे हैं। वही बात करें कानपुर मंडी, कानपुर मंडी में लगभग 30-40 मोटर की आमदनी है और भाव जो है आपके 550 से लेकर 675 रुपये प्रति मन के हिसाब से सफ़ेद आलू बिक रहा है नया वाला। और पुराने आलू पे तो 100 रुपये का उछाल है, ये है मतलब पुराना आलू जो है आपका 450 से लेकर 500 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है पुराना आलू कानपुर की मंडी में। और अगर वही बात करें आपका लाल वाला जो गोल आलू है 500 से लेकर 600 रुपये और न्यू आइलैंड है वो 600 से लेकर 700 रुपये प्रति मन कानपुर मंडी में पुराना आलू बिक रहा है। पुराने आलू की आमदनी लगभग 15 मोटर की है और आज भाव लगभग सभी जगह सही है, लेकिन आज छिबरामऊ मंडी में जो भाव बताए गए हैं वो 650 से लेकर और 700 बड़ी मुश्किल से 750 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बता रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या दलामली हो रही है, क्या कैसा इनका लोगों के स्टेटस है और क्या चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है। जो भाव थे मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन मेरे हिसाब से किसी प्रकार की किसी मंडी में कोई डाउन नहीं हुआ है, भाव जो है अपनी जगह पर स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आलू का भाव जो है लगभग आपका सभी जगह मतलब जो था वही चल रहा है, लेकिन अपने अपने मन से यहाँ पे जो भी कर ले वो ठीक है। तो आज यहाँ पे बताते हैं 650 से लेकर 731 रुपये प्रति कट्टा तक अभी तक आलू की बिक्री हो चुकी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। बाद बाकी अभी मैंने तो यहाँ पे मतलब बिक्री जो है आज तरीका का मैंने वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि अपना मनमानी जो करते हैं ये लोग।